ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके सीयूटी पीजी के लिए और गेट के लिए। इसको हम एक इंटरडिसिप्लिनरी टॉपिक बोलते हैं कि आप इसको हर फील्ड में पढ़ेंगे, आप इसको एमएससी में भी पढ़ेंगे, एमएससी के भी आप डिफरेंट ब्रांचेज में इसको पढ़ेंगे। आप बॉटनी में इसको पढ़ेंगे, आप माइक्रोबायो में इसको पढ़ोगे, आप जियोलॉजी में इसको पढ़ोगे, आपका कोई भी सब्जेक्ट हो, हर एक कोर्स वर्क में अगर आप सेंट्रल यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं तो बायोटेक्नोलॉजी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो उसके रिस्पेक्ट में ही इस टॉपिक को इतना इंपॉर्टेंस दिया गया और इसके काफी सारे क्वेश्चन आते हैं। तो मैं आपको बायोटेक्नोलॉजी की आज इंट्रोडक्शन दूंगा और इस टॉपिक में होगा रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, प्रिंसिपल ऑफ जीन क्लोनिंग, एंजाइम यूज्ड इन जीन क्लोनिंग। जो आपकी बुक रेफरेंस है वो सेम रहेगी, पाथफाइंडर 8th एडिशन। पाथफाइंडर 8th एडिशन मैं क्यों बोल रहा हूँ आपको बार बार यूज करने के लिए, क्योंकि ये बुक एक सिंप्लीफाइड बुक है और ये मेनली फोकस करती है कि जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए है सबसे ज्यादा मेन फोकस पाथफाइंडर उस पर करती है। तो पाथफाइंडर एक पीजी एग्जाम के लिए द बेस्ट है, गेट एग्जाम के लिए भी पाथफाइंडर एक बहुत अच्छी बुक है। तो हम स्टार्ट करते हैं अपना बायोटेक का आज का टॉपिक। तो आप जैसे देख रहे हो कि बायो एंड टेक्नोलॉजी, तो बायोलॉजी, बायोलॉजी से हमारा बायो है एंड टेक्नोलॉजी, आप एमटेक में भी बायोटेक्नोलॉजी से कोर्स कर सकते हो। तो बायो और टेक्नोलॉजी का जहां पे एक मिक्सअप होता है वो सब्जेक्ट हमारा बन जाता है बायोटेक्नोलॉजी। तो चलते हैं हम आगे और इसको अच्छे से हम स्टडी करेंगे, बड़े डिटेल में हम इसको पढ़ेंगे ताकि आप इसके क्वेश्चन बड़े अच्छे से लगा पाओगे। और मेरी वीडियो देखने के बाद मैं गारंटी देता हूँ कि आप सीयूटी पीजी लेवल के या गेट लेवल के क्वेश्चन आराम से बायोटेक्नोलॉजी के आप सोल्व कर पाओगे और इसमें अच्छा स्कोर कर पाओगे, क्योंकि इसके जितने भी क्वेश्चन होते हैं सब एप्लीकेशन बेस्ड होते हैं और एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए आपकी क्यूरियोसिटी बड़ी ज्यादा होनी चाहिए। तो लेट्स स्टार्ट विद अपना बायोटेक्नोलॉजी। तो इंट्रोडक्शन मैंने बायोटेक्नोलॉजी का आपको दे दी है। सबसे पहले हम करते हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, आल्सो नोन एज जेनेटिक इंजीनियरिंग। तो इसकी डेफिनेशन क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, डीएनए रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी है क्या? तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ये टेक्निक, इसकी दो डिफरेंट टाइप की डेफिनेशन है। सबसे पहले जो टेक्निक है वो इसकी एप्लीकेशन बेस्ड है कि इसको कैसे किया जाता है। जो सेकंड टेक्निक है वो हम बोल सकते हैं थ्योरेटिकल बेसिस है। तो मैं दोनों आप टेक्निक आपको बता दूंगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इसकी जो एप्लीकेशन बेस्ड टेक्निक है की डेफिनेशन है वो क्या है। तो ये क्या है रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी एक्चुअल में है क्या? ये टेक्नोलॉजी है, ये सेट ऑफ टेक्निक्स है। डीएनए लेते हैं, सबसे पहले हम डीएनए लेंगे, उसको आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन सा डीएनए है, ये सिंगुलर है, लीनियर है, सर्कुलर है, कैसा टाइप का डीएनए है। फिर उसको हम आइसोलेट करेंगे बाय सेंट्रीफ्यूगेशन, अदर टेक्निक्स होती है जिससे हम डीएनए को आइसोलेट कर सकते हैं। फिर उसको हम करेंगे रिकम्बाइंड, व्हाट डू यू मीन बाय रिकम्बाइंड हेयर, इसको हम रिकम्बाइंड को क्या बोलते हैं। रिकम्बाइंड का मतलब होता है कि हम दो ऑर्गेनिज्म के डीएनए को हम मिक्सअप कर दे, सो दैट क्या होगा, एक न्यू करेक्टरिस्टिक इंट्रोड्यूस इन टू द ऑर्गेनिज्म। सबसे पहले हम एक डिफरेंट ऑर्गेनिज्म में से डीएनए लेंगे, एक वेक्टर लेंगे, वेक्टर एक्चुअल में एक ऑर्गेनिज्म का डीएनए ही होता है जिसके साथ हम जो हमारा टारगेट डीएनए है उसको हम अटैच करते हैं। यह आपको अच्छे तरह समझ में आएगा जब मैं आपको एक बैक्टीरिया का एग्जांपल दूंगा जो रिकमेंडेड डीएनए टेक्नोलॉजी में यूज होता है। आगे चल के आपको ये डेफिनेशन मैं उधर भी रिपीट करवाऊंगा, ठीक है। तो अभी आप इसको समझ लीजिए इसमें क्या क्या होता है। सबसे पहले हमारा सीक्वेंस में हमारी चीजें चलेगी, आइडेंटिफाइड होगा, फिर आइसोलेटेड होगा और फिर रिकम्बाइंड होगा। तो पहले हम डीएनए को आइडेंटिफाई करेंगे, फिर उसको आइसोलेट करेंगे, फिर रिकम्बाइंड करेंगे अदर ऑर्गेनिज्म के डीएनए के साथ में। तो ये टेक्निक हमारी यूज होगी, ये सीक्वेंस में टेक्निक चलेगी। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ कि ये सीक्वेंस में टेक्निक चलेगी, क्योंकि क्वेश्चन इस पे ऐसे भी आ सकता है कि अरेंज कीजिए इन टेक्निक्स को अकॉर्डिंग टू रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। तो आपको आइडेंटिफाइड करना है, फिर आइसोलेटेड करना है, देन रिकम्बाइंड करना है। फिर हमारी दूसरी डेफिनेशन है जो थ्योरेटिकल बेसिस है, ये है, ये एक ऐसा भी है जेनेटिक मटेरियल को एक ऑर्गेनिज्म में से हम लेंगे, फिर उसको आर्टिफिशियली इंट्रोड्यूस टू अनदर ऑर्गेनिज्म। आर्टिफिशियली करेंगे कि एक दो ऑर्गेनिज्म के डीएनए तो मैच नहीं करवा सकते ना, लेकिन हमारे जो डिजायर्ड डीएनए फ्रेगमेंट हमें चाहिए उसको क्या करेंगे, हम लेंगे एक होस्ट के अंदर से, होस्ट के अंदर इंट्रोड्यूस करने के लिए एक डीएनए फ्रेगमेंट लेंगे। तो डिजायर हमारा डीएनए फ्रेगमेंट है, उसको हम वेक्टर के अंदर डालेंगे, फिर देन उसको एक ऑर्गेनिज्म के अंदर डालेंगे जहां वो रेप्लिकेट करेगा। तो एक्सप्रेस थर्ड ऑर्गेनिज्म करेगा, एक्सप्रेस थर्ड, इसमें तीन ऑर्गेनिज्म हमारे इंक्लूड होंगे। एक ऑर्गेनिज्म हमारा जो इंक्लूड होगा उसको
जिससे हम डीएनए फ्रेगमेंट लेंगे, जो हमारा डिजायर्ड डीएनए फ्रेगमेंट होगा। एक होगा वेक्टर जो हमारी हेल्प करेगा अदर ऑर्गेनिज्म में उसको पहुंचने तक, जो सुटेबल होगा दूसरे ऑर्गेनिज्म के लिए। और जो हमारा थर्ड ऑर्गेनिज्म होगा उसमें हमारा डिजायर्ड डीएनए फ्रेगमेंट जो होगा वो क्या करेगा, रेप्लीकेट करेगा। व्हाट डू यू मीन बाय रेप्लीकेशन? रेप्लीकेशन होता है कि किसी भी जीनोमिक मटेरियल का बनना, एक टेम्पलेट स्टैंड पे किसी भी जीनोमिक मटेरियल का बनना। तो हमारे जो मेन साइंटिस्ट थे इसमें, जिन्होंने इनके ऊपर काम किया था, तो पॉल बर्ग का नाम आप बिल्कुल याद रखना, ये बहुत ही मेन साइंटिस्ट है बायोटेक्नोलॉजी के अंदर। पॉल बर्ग, हर्बर्ट डब्ल्यू वायर एंड स्टैनले एन कोहन, आपको ये याद रखने की भी बहुत ज्यादा जरूरत है कि ये क्यों जरूरी है, क्योंकि इन तीनों ने ही नोबेल प्राइज जीता था, ये तीनों ने ही नोबेल प्राइज जीता था। और अब की बार भी सीयूटी पीजी में इसका क्वेश्चन आया था, तो इनके नाम क्या थे? तो नाम पॉल बर्ग आप याद रखना, पॉल बर्ग ही था जिसने सबसे पहले एक रिकम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल बनाया था। पॉल बर्ग ने सबसे पहले डीएनए रिकम्बिनेंट मॉलिक्यूल बनाया था। किस किस से बनाया था? SV14 वायरस, ये भी आपको याद रखना पड़ेगा। किस किस से बनाया था? SV40 वायरस से एंड लैम्डा फेज। ये दोनों ही एक बैक्टीरियल वायरस है, ये दोनों ही वायरस है। तो इसने क्या किया कि इन दोनों में से डीएनए फ्रेगमेंट लिए और इसको रिकम्बाइन कर दिया, मतलब इनको कंबाइन कर दिया, तो उससे क्या बन गया हमारा रिकम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल। आप देख सकते हो ना, व्हाट डू यू मीन बाय रिकम्बाइन? रिकम्बाइन का मतलब ही क्या होता है कि हम दोबारा उसको जोड़ दे। तो रिकम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल क्या हुआ कि दो ऑर्गेनिज्म का अगर हम डीएनए मिक्सअप कर दें, उनको जोड़ दें, तो क्या बन जाता है? रिकम्बिनेंट डीएनए। ठीक है, आपके लिए एक इंपॉर्टेंट नोट जो मैं हमेशा अपनी बुक्स में या सब जगह नोट डाउन करके रखता हूँ, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। बहुत सारे बच्चे इसके ऊपर ध्यान नहीं देते, तो स्टूडेंट्स आपको ये ध्यान रखना है कि जो लैम्डा फेज है, लैम्डा फेज एक इंपॉर्टेंट वेक्टर है पूरी के पूरी बायोटेक में। लैम्डा फेज आपको हर जगह देखने को मिलेगा। तो लैम्डा फेज का जो जीनोमिक मटेरियल होता है वो क्या होता है? लीनियर डबल स्ट्रैंडेड होता है। जो हमारा जेनेटिक मटेरियल है वो सेम टाइप का जेनेटिक मटेरियल लैम्डा फेज में देखने को मिलता है। टाइप का मेरे यहाँ पे मतलब है कि उसका स्ट्रक्चर जो है लीनियर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। जहां आपको ये डीएस दिखा है, आप इसको ऐसे ही लिखोगे, इसका मतलब होता है डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। तो जीनोमिक मटेरियल अपना कुछ भी हो सकता है, जीनोमिक मटेरियल यहाँ पे लैम्डा फेज में तो डबल स्टैंडर्ड डीएनए ही होगा, लेकिन जीनोमिक मटेरियल क्या होता है? जीनोमिक मटेरियल हमारा आरएनए भी हो सकता है और डीएनए भी हो सकता है। ठीक है, तो हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। तो डीएनए क्लोनिंग सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे मजेदार जो चीज लगती है बायोटेक में वो होती है डीएनए क्लोनिंग। डीएनए को हम क्लोन कर सकते हैं, यहाँ पे क्लोनिंग डीएनए क्लोनिंग है, ना कि वो क्लोनिंग जैसे वो सीप बनाई थी। तो हम डीएनए क्लोनिंग से कोई भी ऑर्गेनिज्म को रीजनरेट कर सकते हैं, हम बना सकते हैं उस चीज को। तो कितना अच्छा लगेगा कि हमें कोई भी, जैसे हमें किसी एंशियंट कोई भी ऑर्गेनिज्म का हमें डीएनए मिल से हम उसको रीजनरेट कर पाए। तो ये इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट टेक्निक है जो हर जगह से बड़ी अच्छी तरह करवाई जाती है, लेकिन हमारे यहाँ पे इंडिया में इतनी टेक्नोलॉजी अवेलेबल नहीं है कि हर यूनिवर्सिटी में डीएनए क्लोनिंग हमें करके दिखाई जा सके। तो इसके लिए आपको बहुत अच्छी अच्छी यूनिवर्सिटी में जाना पड़ेगा। डीएनए क्लोनिंग की जो हमारी टेक्नोलॉजी है वो आईसीएमआर में अवेलेबल है, आईएससी में अवेलेबल है, बेंगलोर के कॉलेज में अवेलेबल है, कोलकाता के कॉलेज में अवेलेबल है, हर आईआईटीज में इसका यूज होता है। तो डीएनए क्लोनिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो आप इसको बड़े ध्यान से पढ़िए। अभी आपके एंट्रेंस के लिए भी इतना ही जरूरी है जितना आपके आगे के लिए जरूरी होगा। तो डीएनए क्लोनिंग क्या है? डीएनए क्लोन से क्या पता चलता है? हम क्लोन किसको बोलते हैं? जो बिल्कुल सेम टाइप का हो, एज इट इज क्लोन हो। तो डीएनए क्लोनिंग क्या है? इज ए प्रोडक्शन है लार्ज नंबर ऑफ आइडेंटिकल डीएनए मॉलिक्यूल का। कि हमने एक मॉलिक्यूल लिया, हमने एक डीएनए का फ्रेगमेंट लिया छोटा सा, जैसे ए टी टी जी 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 ऐसे लिया, और उसकी हम सैकड़ों कॉपी बना दे, थाउजेंड्स ऑफ कॉपी उसकी बना दे, तो उसको हम बोलेंगे डीएनए क्लोनिंग। हमारी मदद से हम एक स्पेसिफिक सीक्वेंस चूज करेंगे जिसकी हमें थाउजेंड्स कॉपी हम बना सकते हैं, तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम? डीएनए क्लोनिंग। डीएनए क्लोनिंग हम किसको बोलेंगे? व्हाट डू यू मीन बाय डीएनए क्लोनिंग? देखो, जो बायोटेक है उसमें बहुत सारी क्लोनिंग होती है, आरएनए क्लोनिंग भी होगी उसमें, डीएनए क्लोनिंग भी होगी उसमें, ऑर्गेनिज्म क्लोनिंग भी होगी उसमें। तो हम स्पेसिफिक कैसे बोलेंगे कि यही एक डीएनए क्लोनिंग है? तो उसमें हमें क्या चाहिए? डिजायर डीएनए फ्रेगमेंट मस्ट बी सिलेक्टिवली एम्पलीफाइड। एम्पलीफाइड का मतलब होता है बढ़ा देना, एम्पलीफाइड का मतलब बहुत ज्यादा लेवल पे बढ़ा देना एक चीज के
थाउजेंड्स ऑफ कॉपी बनाने दर, तो उसको क्या बोलते हैं हम, एम्पलीफाइड। अगर हमारा डिजायर डीएनए फ्रेगमेंट, जैसे हमें कोई डिजायर डीएनए हमारा जो फ्रेगमेंट है, अगर हम उसको थाउजेंड ऑफ टाइम मल्टीप्लाई कर पा रहे हैं, लेकिन सिर्फ किसको, डीएनए को ही थाउजेंड ऑफ टाइम मल्टीप्लाई कर पा रहे हैं, तो ये करेक्टरिस्टिक्स का है, डीएनए क्लोनिंग का है। और इससे क्या होगा, लार्ज इंक्रीज नंबर ऑफ कॉपी नंबर, जो उनकी कॉपी होगी वो बहुत सारी बन जाएगी, लेकिन किसकी, सिलेक्टेड डीएनए सीक्वेंस की। आपको हमेशा ये बात ध्यान रखनी पड़ेगी, डीएनए क्लोनिंग में क्या होना चाहिए, सिलेक्टेड डीएनए सीक्वेंस होना चाहिए। तो डीएनए क्लोनिंग होती कैसे है, तो इसमें क्या होता है, इन्वॉल्व्स मल्टीपल राउंड ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। डीएनए रेप्लिकेशन मैंने बताया था कि एक कोई भी जीनोमिक मटेरियल से दूसरा हमारा स्ट्रैंड बनाना। मान लीजिए कि एक डीएनए का टेम्पलेट स्ट्रैंड है 5 प्राइम टू 3 प्राइम, और उससे हम बना दे 3 प्राइम टू 5 प्राइम अपनी मर्जी से, तो वो होता है रेप्लिकेशन। तो इसमें क्या होगी, डीएनए रेप्लिकेशन होगी, कैटेलाइज। कैटेलाइज का मतलब होता है उस चीज को एनहांस कर देना, बाय डीएनए पॉलीमरेज। पॉलीमरेज जहां भी आपको वर्ड अब मिलेगा, उसका मतलब ही होता है एडिशन करवाना, कि उसमें हम किसी ना किसी चीज में एडिशन करवा देंगे। तो डीएनए पॉलीमरेज क्या करता है, डीएनए पॉलीमर को, पॉलीमर यहाँ पे आया है ना, स्मॉल 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 मोनोमर यूनिट क्या बना देती है, पॉलीमर बना देती है, ठीक है। तो डीएनए पॉलीमरेज क्या है, एक ऐसा एंजाइम है जो डीएनए को बना देता है, कि एक टेम्पलेट स्ट्रैंड मतलब जिसके ऊपर दूसरा डीएनए बनेगा, तो उसको हम बोलते हैं डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम, जो इस पे वर्क करके अलग अपना डीएनए का एक फ्रेगमेंट बना देगा, ठीक है। वन मोर टाइप ऑफ टेम्पलेट डीएनए मॉलिक्यूल, सेम डीएनए मॉलिक्यूल उस पे बना देगा वो असेंशली। लेकिन इसमें डीएनए क्लोनिंग के जो अप्रोच होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, सेल बेस्ड एंड सेल फ्री। इन दोनों में डिफरेंस यही है, जो सेल बेस्ड है उसमें हम क्या करते हैं, हमें एक सरफेस चाहिए, हमें एक लिक्विड चाहिए। लेकिन सेल फ्री डीएनए क्लोनिंग में क्या होगा, हमें कोई सरफेस की जरूरत नहीं है, हम इन वर्चो ही उसमें, इन वर्चो से मेरा मतलब है कि इन एक बॉक्स में ही, इन एक ही एनवायरमेंट में मल्टीपल क्लोनिंग कर सकते हैं। तो हम डिटेल में पढ़ते हैं हमारा सेल बेस्ड एंड सेल फ्री डीएनए क्लोनिंग को। तो सेल बेस्ड डीएनए क्लोनिंग क्या है, ये क्या है, एक फर्स्ट फॉर्म ऑफ डीएनए क्लोनिंग। ये सबसे पहले यही डेवलप किया गया था इन वीवो, मतलब कि इन लेबोरेटरी हम इसको कर सकते हैं, किसको, एनवायरनमेंट, प्रॉपर एनवायरनमेंट चाहिए। तो ये क्लोनिंग मेथड सबसे एंशिएंट है, सेल बेस्ड डीएनए क्लोनिंग। ये फर्स्ट स्टेप, इसमें सबसे पहला अप्रोच क्या रहेगा, सबसे पहला हमारा, अगर हम सेल बेस्ड डीएनए क्लोनिंग कर रहे हैं तो सबसे पहले क्या रहेगा, कि हम उसको अटैच करेंगे फॉरेन डीएनए फ्रेगमेंट को टू डीएनए सीक्वेंस, देन उसको हम ट्रांसफर करेंगे एक सुटेबल होस्ट में, देयर जहां पे वो प्रोपोगेट का मतलब बढ़ जाना, बढ़ा देगा, उनके नंबर्स बढ़ा देगा, ठीक है। तो हाइब्रिड डीएनए मॉलिक्यूल, ये कुछ आपको टर्म है, मैं आपको बताता हूँ कि ये टर्म आपके लिए जरूरी क्यों है, क्योंकि जब मैं आपको नेक्स्ट आपको एक इमेज दिखाने वाला हूँ, वहां पे ये सब चीजें यूज होंगी, जहां से आप सेल बेस्ड डीएनए क्लोनिंग को बिल्कुल अच्छी तरह समझ पाओगे। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि व्हाट डू यू मीन बाय चाइमेरा। बायोटेक में चाइमेरा वर्ड आपको बहुत देखने को मिलेगा। इसमें क्या होगा कि एक तो हमारा हाइब्रिड डीएनए मॉलिक्यूल होगा, हाइब्रिड डीएनए मॉलिक्यूल मतलब हमारा क्या होगा, जहां पे हमारा जो कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए होगा उसके साथ में हम एक कोई भी इंसर्ट उसमें एलिमेंट डाल सकते हैं, मान लीजिए कि हम इसमें कोई एंजाइम ऐड कर सकते हैं, तो उस मॉलिक्यूल को हम क्या बोलेंगे, चाइमेरा। तो ट्रांसफॉर्मेशन क्या होती है, जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल होस्ट डीएनए के अंदर हम ट्रांसफर कर सकते हैं, तो उस पूरे के पूरे जो सेल को हम बोलेंगे कि ये ट्रांसफॉर्म्ड एक सेल है। मान लीजिए हमारा कोई रिकॉम्बिनेंट डीएनए है, वो S40 का हमारा रिकॉम्बिनेंट डीएनए ले लिया आपने, जो पोलबर्ग ने सबसे पहले कौन सा बनाया था, S40, और लैम्डा फेज से हमारा जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल बनाया था, उस रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल को अगर हम किसी होस्ट में, किसी ऑर्गेनिज्म में डाल दें, ऑर्गेनिज्म में डाल दे, क्यों, क्या हो गया, वो ट्रांसफॉर्म्ड हो गया एक तरह से, इसको क्या बोलेंगे, ट्रांसफॉर्म्ड। ये देखिए अब एक इंपॉर्टेंट नोट जो आपको याद रखना पड़ेगा, करना ही पड़ेगा और आपको याद होना भी चाहिए, इसमें क्या बोला है कि जो रेप्लिकोन है, रेप्लिकोन का मतलब ही होता है कि वो सेल्फ रेप्लिकेट कर पाए, तो सेल्फ रेप्लिकेट कर पाए। तो जो होस्ट सेल के अंदर जो हम डीएनए रिकॉम्बिनेंट मॉलिक्यूल डालेंगे ना, वो क्या होना चाहिए, वो अपने आप रेप्लिकेट करना चाहिए, दे डो नॉट डिपेंड ऑन द होस्ट सेल, तभी तो अपने करेक्टर वो एक्सप्रेस कर पाएंगे ना दूसरे ऑर्गेनिज्म में, नहीं तो दूसरा ऑर्गेनिज्म उसको रिजेक्ट कर देगा। तो उसके अंदर एक करेक्टरिस्टिक ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि उसके अंदर इंडिपेंडेंटली वो रेप्लिकेट होना चाहिए, और जो मॉलिक्यूल इंडिपेंडेंटली रेप्लिकेट करेगा उसको हम बोलते हैं रेप्लिकोन, ठीक है। तो बोथ रेप्लिकोन एंड डीएनए मॉलिक्यूल मस्ट बी
जो रेप्लिकोन है, मतलब जो ऑटोमोस जो अपने आप ही रेप्लिकेट कर लेगा, जिसको होस्ट की कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप होस्ट कौन से उसको होस्ट में डाल रहे हो, उसके अंदर जो रेप्लिकेट करेगा उसको हम बोलेंगे रेप्लिकोन। और जो डीएनए मॉलिक्यूल है जिसको हमें एडिशन करना है, वो किसके साथ होने चाहिए, मतलब उसको कट करने के लिए स्पेसिफिक रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस चाहिए। अब मैं बताता हूं आपको, यहां पे इंपॉर्टेंट टर्म एक समझने वाली कि इन दोनों को व्हाट डू मीन बाय स्पेसिफिक रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियसिस। स्पेसिफिक का मतलब होता है कि एक ही चीज स्पेसिफिक, मतलब मान लीजिए कि हम जैसे एक पेंसिल को बीच से काट रहे हैं, तो दोबारा उसी पेंसिल को हम जोड़ते हैं दूसरे पेंसिल के साथ में, तो वो पेंसिल भी क्या चाहिए हमें, सेम जगह से कटी हुई होनी चाहिए, तभी वो उससे परफेक्ट तरह से जुड़ पाएगी। तो स्पेसिफिक चीज होगी वो। रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस को आप मान लीजिए नाइफ की तरह, जैसे एक नाइफ काट देता है पेंसिल को बीच से, तो रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस भी ऐसा ही काम करता है। ये एक तरफ का क्या है, न्यूक्लियसिस एंजाइम है, लेकिन रिस्ट्रिक्टेड है, मतलब ये स्पेसिफिक टारगेट पे ही हिट करेगा। जैसे कि हमारी डीएनए की लेंथ हो गई है, उसको हम बोल सकते हैं ATGGACTTGG, लेकिन जो रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस है वो कहाँ पे एक्ट करेगा, मान लीजिए कि वो जीएसी पे ही एक्ट करेगा, तो जहां पे उसको जीएसी टारगेट मिला डीएनए की पूरी फ्रेगमेंट पे, वहां पे उसको वो कट कर देगा। ATGGC ये क्या है, डीएनए जो फ्रेगमेंट है हमारा वो चार बेस पेयर से मिलके बनता है, ATGC, एडेनिन थायमिन गुआनिन और साइटोसिन, ठीक है। तो इससे बढ़ के आपको मिलता है जो रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियसिस है, इसको मैं आपको अच्छे से पढ़ाऊंगा, बस आप ये समझ लीजिए कि ये होता क्या है। इसके बड़े सारे टाइप है जो हम आगे पढ़ेंगे। इसके बाद हमारा एंजाइम का पोर्शन स्टार्ट होगा, सेल बेस्ड डीएनए क्लोनिंग के बाद हमारा सेल फ्री डीएनए क्लोनिंग होगा, उसके बाद हमारा एंजाइम का पोर्शन स्टार्ट होगा। उसमें आप डिफरेंट तरह के रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियसिस समझेंगे, तो ज्यादा स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है कि आपको रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस में मतलब क्या होगा क्या नहीं होगा, वो आपको मैं सब बताऊंगा धीरे धीरे। तो ये देखिए हमारा सेल बेस्ड डीएनए टेक्नोलॉजी होता क्या है। तो हमारा सबसे पहले देखिए यहाँ पे क्या है, क्लोनिंग वेक्टर है ऑर्गेनिज्म नंबर वन, तो हमारा टारगेटेड डीएनए है जहां से हमने ऑर्गेनिज्म टू से ये उठाया है। तो इसमें क्या किया, रिस्ट्रिक्शन एंड डाइजेशन, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियसिस मैंने आपको बता दिया क्या होता है। तो इसमें क्या होगा, सबसे पहले यहां से ये कट जाएगा और ये टारगेट डीएनए भी यहीं से ही कट जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले क्या हो गया, रिस्ट्रिक्शन हो गया, रिस्ट्रिक्शन मतलब उसको काट दिया गया, डाइजेस्ट कर लिया इसको, इस पार्ट को हटा दिया इससे, और ये पार्ट हमें इधर जोड़ना है। फिर हो गया लाइगेशन, लाइगेशन का मतलब होता है ज्वाइन होना। तो सबसे हमारे पास क्या बन गए, एक रिकम्बिनेंट वैक्टर बन गया। रिकम्बिनेंट वैक्टर, वैक्टर का मतलब होता है जो ट्रांसफर करे। मान लीजिए कि जैसे हमारे बस में हम बैठते हैं, तो बस क्या है, हमारा एक वेक्टर है जो हमें एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन पे पहुंचाने में मदद कर रहा है, तो वेक्टर का वही काम होता है। तो रिकम्बिनेंट हमारा वेक्टर बन गया, ये देखिए आप इसका कलर यहाँ पे आ गया, तो हमारा डीएनए फ्रेगमेंट इधर जुड़ चुका है, ठीक है। एक नॉन रिकम्बिनेंट वेक्टर बन गया जिसके अंदर ये नहीं जुड़ा है। अब इसमें करते हैं हम किसको, होस्ट सेल में, मतलब जहां पे हमें ये डिजायर्ड, जहां पे एम्पलीफाइड कर सके, हमें ऐसे सेल में इसको डालना पड़ेगा। तो आप देखिए, तो हमने इसमें डाला, तो जैसे ही हमने बैक्टीरिया के डिफरेंट डिफरेंट सेल में डाला, तो दोनों को हमने डाला, तो यह आपका बैक्टीरियल क्रोमोजोम है। इसके साथ ये इंटरेक्ट नहीं करेगा, मैंने पहले ही बोला था कि वो अपने आप ही रेप्लीकेट करेगा। जो हमारा डिजायर्ड डीएनए फ्रेगमेंट है वो क्या होना चाहिए, ऑटोनॉमसली रेप्लीकेट होना चाहिए, अपने आप ही उसको रेप्लीकेशन उसके साथ होनी चाहिए। तो आप यहाँ पे देखोगे कि वेक्टर, इसको हम क्या बोलेंगे, रिकम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल बोलेंगे इसको, या हम इसको क्या बोल सकते हैं, चाइमेरा भी इसको हम बोल सकते हैं। तो ये देखिए इसको ऊपर लिखा है ट्रांसफॉर्म्ड सेल, ट्रांसफॉर्म सेल ये भी एक ट्रांसफॉर्म सेल है। व्हाट डू यू मीन बाय ट्रांसफॉर्म, कि जिसके अंदर कोई डिफरेंट ऑर्गेनिज्म का हमारा डीएनए प्रेजेंट है या आरएनए प्रेजेंट है, हम उसको ट्रांसफॉर्म्ड सेल बोलेंगे। यहाँ पे कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है कि इसमें तो दूसरा हमारा ये टारगेट डीएनए नहीं आया है, तो हम इसको ट्रांसफॉर्म्ड सेल क्यों बोल रहे हैं, इसको हम ट्रांसफॉर्म्ड सेल ही बोलेंगे क्योंकि इसके अंदर एक डिफरेंट ऑर्गेनिज्म का डीएनए आ गया है। तो एक हो गया हमारा ट्रांसफॉर्म सेल जिसमें रिकम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल है, एक और ट्रांसफॉर्म सेल जिसके अंदर डीएनए, रिकम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल हमारा प्रेजेंट नहीं है, और तीसरा हमारा हो गया नॉन ट्रांसफॉर्म सेल जिसके अंदर ना तो नॉन रिकम्बिनेंट वेक्टर आया है और ना रिकम्बिनेंट वेक्टर आया है। तो इसको हम फिर क्या करते हैं, इसको एक अगर प्लेट पे लगते हैं। अगर अगर एक लिक्विड है, अगर अगर एक एलिमेंट है या प्लेट है, तो उसके ऊपर हम रखते हैं इन सब चीजों को। तो अगर अगर करता क्या है, तो अगर अगर करता क्या है कि जहां पे
जो ट्रांसफॉर्म्ड सेल नहीं है उसको वो डिसलेक्ट कर देता है, किल कर देता है, मार देता है, हटा देता है। तो हमारे पास क्या बढ़ता है, दो चीजें बचती है, हमारे पास दो सेल बचते हैं। कौन कौन से सेल बचते हैं हमारे पास, जिसके अंदर रिकॉम्बिनेंट डीएनए अवेलेबल है और जिसके अंदर रिकॉम्बिनेंट डीएनए अवेलेबल नहीं है। तो इसके लिए हम फिर यूज करते हैं सिलेक्टेबल मार्कर। सिलेक्टेबल मार्कर क्या होते हैं, सिलेक्टेबल मार्कर वो जीन्स होते हैं या वो मटेरियल होता है या वो जीनोमिक मटेरियल होता है जिसके अंदर हम क्या करते हैं, अगर वो किसी सेल पे एक्ट कर रहा है, अगर वो हम उसके अंदर बहुत सारे सेल रख देंगे तो वो 19 सेल को नहीं मारेगा जो कि रिकॉम्बिनेंट नहीं होंगे, जो कि रिकॉम्बिनेंट होंगे एक्चुअली सॉरी जो रिकॉम्बिनेंट होंगे उनको ये नहीं मारेगा और जो रिकॉम्बिनेंट नहीं होगी उनको ये किल कर देगा। तो हमारे पास क्या बचेगा, फिर हमारे पास बचेगा जो हमारा रिकॉम्बिनेंट डिजायर्ड जो हमारा सेल है। फिर हम इसको एम्पलीफाइड कर लेंगे, एम्पलीफिकेशन की मैंने टेक्निक आपको बता दी है, ठीक है। तो हमने इसमें क्या किया, सबसे पहले हमने आइसोलेट ही किया है, ये सबसे पहले हमने आइडेंटिफाई किया होगा किस ऑर्गेनिज्म से हमें चाहिए, फिर हमारा आइसोलेट हो गया, फिर हमारा रिकॉम्बिनेशन हो गया। तो ये हमारा क्या हो गया, डीएनए क्लोनिंग का टेक्निक हो गया। तो मैं दोबारा से एक बार आपको रिपीट कर दूंगा कि क्लोनिंग वेक्टर लेंगे, टारगेटेड डीएनए लेंगे, उनको रिस्ट्रिक्शन एंड रिस्ट्रिक्स करेंगे, फिर उनको जोड़ देंगे, दो बन जाएंगे रिकॉम्बिनेंट एंड नॉन रिकॉम्बिनेंट, फिर उनको हम इंट्रोड्यूस कर देंगे किसमें, होस्ट सेल में। तो यहाँ पे हमारे ट्रांसफॉर्म्ड सेल बन जाएंगे, नॉन ट्रांसफॉर्म सेल है क्योंकि इसके अंदर कोई भी फॉरन डीएनए मॉलिक्यूल नहीं है या जीनोमिक मटेरियल नहीं है। फिर इसको हम अगर अगर प्लेट पे डाल देंगे, एक लिक्विड में डाल देंगे, जहां पे वो ही सेल बचेंगे जिसके अंदर रिकॉम्बिनेंट या रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल है या अदर का कोई भी डीएनए मॉलिक्यूल है। तो उसके बाद हम इसको सिलेक्टेबल मार्कर में रख देंगे। सिलेक्टेबल मार्कर ऐसे जीन होते हैं जो उसको ही सिलेक्ट करते हैं, उसको ही रखते हैं बस अपने अंदर, जिसके जो जिस सेल के अंदर रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल प्रेजेंट होता है। फिर इसका मिलकर एम्प्लीफिकेशन कर देंगे, तो यहाँ पे ये सेल बेस्ड डीएनए खत्म होता है। हम आगे चलते हैं आगे वाली स्लाइड पे। तो हमारा सेल फ्री डीएनए क्लोनिंग क्या होता है, तो हमें देखिए हमें क्या करना पड़ रहा था, अभी सेल बेस्ड में हमें क्या करना पड़ रहा था कि दो हमें तीन ऑर्गेनिज्म चाहिए थी उसके लिए, उसके लिए फिर हमें अगर सॉल्यूशन चाहिए था, फिर उसके लिए हमें सिलेक्टेबल मार्कर भी चाहिए था। वो तो बहुत एक्सपेंसिव प्रोसेस हो जाता है, मतलब उसको करने के लिए टाइम भी बहुत ज्यादा चाहिए और बहुत ही मतलब सहजता से वो करना पड़ता है, बहुत ही सिंप्लीफाइड तरीके से वो करना पड़ेगा। अगर एक भी स्टेप हमने इधर उधर कर दिया तो पूरा का पूरा हमारा वो बर्बाद हो जाएगा। तो इसको इसको टैकल करने के लिए दूसरी जो टेक्निक बनाई उसको हम बोलते हैं सेल फ्री डीएनए क्लोनिंग। तो सेल फ्री डीएनए क्लोनिंग है क्या, ये रैपिड टेक्निक है, इनएक्सपेंसिव है, ज्यादा एक्सपेंसिव नहीं है, सिंपल मेथड है, बिल्कुल ही सिंपल मेथड है। कॉपिंग ऑफ डीएनए सीक्वेंस, ये इतना सिंपल मेथड है कि बीएससी वाले बच्चे ही, अंडर ग्रेजुएट वाले बच्चे ही डीएनए क्लोनिंग कर पा रहे हैं। छोटी छोटी लैब में एक छोटी सी मशीन होती है जहां पे हम डीएनए क्लोनिंग करके देख सकते हैं। तो इसमें जो टेक्निक यूज होती है वो पीसीआर, पॉलीमरेज चैन रिएक्शन क्या होती है कि हमारा एक मोनोमर हो गया, अगर हम उसको यूनिट जोड़ते जाएंगे तो पॉलीमर बन जाएगा। तो पॉलीमरेज चैन रिएक्शन क्या है, उससे डिफरेंट डिफरेंट थाउजेंड लैक्स ऑफ कॉपी हम उसको बना सकते हैं। तो पीसीआर क्या है, पीसीआर जो हमारी टेक्निक है एक्चुअली एक एंजाइम मेडिएटेड है। उसमें भी एंजाइम यूज हो रहे थे, लेकिन उसमें एंजाइम किस लिए यूज हो रहे थे, उसमें एंजाइम यूज हो रहे थे हमारे सेल को कट और जोड़ने के लिए। लेकिन जो पीसीआर है इसमें ये टोटली एंजाइम बेस्ड है, क्योंकि हमें इसमें डिफरेंट कोई सेल चाहिए नहीं, हम एक डीएनए फ्रेगमेंट लेंगे उसकी थाउजेंड्स ऑफ कॉपी हम एक ही बॉक्स के अंदर बना पाएंगे। जो पीसीआर है वो डेवलप की थी बाय कैरी म्यूलिस, ये नाम याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, कैरी म्यूलिस, बार बार मैं रिपीट कर रहा हूँ, कैरी म्यूलिस ने कब हमारा पीसीआर डेवलप किया था, 1983 में। तो ये यही बता हुआ है ये टेक्निक किसके लिए यूज होती है कि हमने एक डीएनए सिलेक्टिवली एम्प्लीकेशन ऑफ स्पेसिफिक टारगेट सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लिक एसिड की, हमने एक डीएनए फ्रेगमेंट ले लिया उसको हम एम्पलीफाइड कर देते हैं, एम्पलीफाइड मतलब उसकी थाउजेंड्स ऑफ कॉपी उसकी बना सकते हैं यूजिंग सॉर्ट प्राइमर्स। व्हाट डू यू मीन बाय सॉर्ट प्राइमर, सॉर्ट प्राइमर होता है डीएनए फ्रेगमेंट का एक छोटा सा पार्ट, मान लीजिए कि ए टी जी वाला पार्ट ही सॉर्ट प्राइमर उसको बोलते हैं। तो इसकी हम मल्टीपल कॉपी बनाएंगे, ATG, 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 तो बार बार थाउजेंड्स ऑफ कॉपी बन जाएगी। तो हमारा यहाँ पे सेल फ्री डीएनए क्लोनिंग भी खत्म हो गया। छोटे छोटे टॉपिक्स है इसमें, लेकिन बड़े इंटरेस्टिंग है, जो मजा आता है इनको करने में। एंजाइम कौन कौन से यूज होते हैं डीएनए मैनिपुलेशन में, व्हाट डू यू मीन बाय मैनिपुलेशन, मैनिपुलेशन का मतलब ये होता है कि बदल देना।
तो सबसे पहले जो हमारे एंजाइम होते हैं वो टेम्पलेट डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज होता है कि इनको एक्ट करने के लिए कोई ना कोई टेम्पलेट चाहिए, कोई ना कोई डीएनए फ्रेगमेंट चाहिए जिनके ऊपर ये एक्ट कर पाए, कोई ना कोई डीएनए मॉलिक्यूल पहले से प्रेजेंट होना चाहिए। वरना अगर ये प्रेजेंट नहीं होगा डीएनए मॉलिक्यूल जिनके टेम्पलेट की तरह काम नहीं करेगा तो ये एंजाइम काम नहीं करते हैं। तो डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम क्या होती है, सिंथेसाइज न्यू पॉलीन्यूक्लियोटाइड न्यूक्लियोटाइड, पॉलीन्यूक्लियोटाइड हमारा इधर डीएनए को ही बोला गया है, पॉलीन्यूक्लियोटाइड इसलिए भी बोला गया है क्योंकि वो स्मॉल स्मॉल पोर्शन में ऐड होते जाते हैं स्पेसिफिक एक एरिया में। सबसे पहले हमारा डीएनए पॉलीमरेज एक्ट करेगा और फिर उससे आगे रिएक्ट करेगा, तो हमारे पॉलीन्यूक्लियोटाइड से। इधर आप कंफ्यूज नहीं होना, ये डीएनए फ्रेगमेंट को ही पॉलीन्यूक्लियोटाइड बोल रहे हैं। कॉम्प्लीमेंट्री, कॉम्प्लीमेंट्री मतलब कि जैसे हमारा ए है वो हमेशा टी के साथ ही कंबाइन करता है और जी है वो हमेशा सी के साथ ही कंबाइन करता है, मतलब जो एडेनिन है हमेशा थायमिन के साथ कंबाइन करेगा और गुआनिन है वो साइटोसिन के साथ ही कंबाइन करेगा इन डीएनए मॉलिक्यूल। आरएनए में साइटोसिन के साथ में हमारा और दूसरा ऐड हो जाता है, वो जब आरएनए हम पढ़ेंगे तब मैं आपको बताऊंगा, वरना आप कंफ्यूज कर जाओगे। अभी बस इतना याद रखिए कि जो एडेनिन है वो थायमिन एटीजीसी, याद रखना एटीजीसी, एडेनिन थायमिन के साथ और गुआनिन साइटोसिन के साथ में रिएक्ट मतलब एडिशन होता है इनका। अगर एक टेम्पलेट स्टैंड के ऊपर एडेनिन होगा तो दूसरे जो उसका कॉम्प्लीमेंट्री स्टैंड होगा जो नया स्टैंड बनेगा उसमें क्या होगा, अगर ए है तो क्या बनेगा टी मिलेगा उसके नीचे आपको, तो वो कॉम्प्लीमेंट्री स्टैंड हो गया। तो इसकी कुछ एग्जांपल है, जैसे डीएनए पॉलीमरेज वन इसको बोलते हैं कॉर्नबर्ग एंजाइम। इसमें क्या क्या होता है, कॉर्नबर्ग एंजाइम इसको याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है कॉर्नबर्ग एंजाइम। और रही बात आपकी, मैं इसको आपको करवाऊंगा कि डीएनए रेप्लिकेशन में कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है कि कौन सा कॉम्प्लीमेंट्री स्टैंड है, मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि कैसे आप बोल रहे हो कि ए के हमेशा टी के साथ रिएक्ट करेगा। जब हम इसमें बायोटेक में आगे जाके हम रेप्लिकेशन पढ़ेंगे उसमें हम मैं आपको एक एक चीज बहुत अच्छे से समझाता चलूंगा, बस आप अभी इतना समझ लीजिए कि एंजाइम है जो इसमें यूज होते हैं। तो डीएनए पॉलीमरेज वन कॉर्नबर्ग एंजाइम हो गया, इसके पास क्या है 3' to 5' एंड 5' to 3' पॉलीमरेज एक्टिविटी, मतलब ये डीएनए पॉलीमरेज वन करता क्या है, कॉर्नबर्ग एंजाइम करता क्या है, ये करता ये है कि दोनों ही तरफ से जो डीएनए की एक लेंथ होती है उसको हम बोलते हैं 5' to 3' और जो दूसरी लेंथ होती है उसको बोलते हैं 3' to 5'। इसको हम ऐसे सोच सकते हैं कि एक रोड की तरह है कि एक रोड का एंड है 5', दूसरे रोड का उसी रोड का दूसरा एंड है 3'। और तो डीएनए पॉलीमरेज दोनों तरफ से एक्ट कर सकता है, मतलब ये दोनों तरफ से ही डीएनए फ्रेगमेंट को बना सकता है। फिर दूसरा हमारा आ गया आरएनए ट्रांसक्रिप्टेज, इसको बोलते हैं कि आरएनए डायरेक्टेड डीएनए पॉलीमरेज, मतलब कि डीएनए से आरएनए बनाना या डीएनए से क्या बनाना, डीएनए किससे बनाना, आरएनए से बनाना। कंफ्यूज कर गया मैं एक्चुअली क्योंकि ये टर्म थोड़ी कंफ्यूजिंग है। तो आरएनए ट्रांसक्रिप्टेज किससे होता है, ये सिंथेसाइज करता है किससे, आरएनए से क्या बना देता है, डीएनए बना देता है। तो आरएनए ट्रांसक्रिप्टेज क्या करता है, ये एक ऐसा ही एक रिवर्सिबल एंजाइम है जो किससे करता है, आरएनए से डीएनए करता है। वरना आप जितने भी एंजाइम देखोगे बायोटेक में वो क्या करते हैं, या तो डीएनए से डीएनए बनाएंगे या डीएनए से आरएनए बनाएंगे। ये डिस्कवर्ड जो इसने जिसको इसने खोजा था वो था हार्वर्ड टैमिन। तो हमारा अगला जो हमारा पॉलीमरेज एंजाइम है वो टाक पॉलीमर एंजाइम है। ये सबसे इंपॉर्टेंट इनमें से ये दो ही एंजाइम बहुत इंपॉर्टेंट है, डीएनए पॉलीमरेज वन एंड टाक डीएनए पॉलीमरेज। ये टाक डीएनए पॉलीमरेज हम क्यों ऐड करते हैं, मतलब इसकी हमें क्यों जरूरत पड़ गई, हमें दिख रहा है कि डीएनए पॉलीमरेज वन अगर काम कर रहा है दोनों में, 3' to 5' भी ये काम कर रहा है और 5' to 3', तो दूसरा हमें लाने की क्या जरूरत पड़ गई, इसकी हमें जरूरत क्यों है टाक डीएनए पॉलीमरेज की। लेकिन जो टाक है ये पड़ा है थर्मस एक्टिविटीज से, नाम थर्मस एक्विटस से ये नाम पड़ा है। थर्मस एक्विटस एक बैक्टीरिया है जो सर्वाइव कर पाता है बहुत हाई टेम्परेचर में, वोल्केनो के पास पास भी आपको ये टाक थर्मस एक्विटस हमारा मिल जाएगा। तो इसके अंदर से ये एंजाइम हमें मिलता है, ये कितने हाई डिग्री पे काम कर सकता है, ये 72 to 90 degrees Celsius तक भी काम करता है, 90 degrees के अबव भी ये काम करता है। तो इसकी जो पॉलीमरेज एक्टिविटी है, तो इसका मतलब ये भी है कि इसकी कुछ कमियां भी है, लेकिन हम इसको स्पेसिफिकली यूज करते हैं क्योंकि ये किसी भी टेम्परेचर के ऊपर काम कर देता है। तो ये मैक्सिमम यूजेबल एंजाइम इसको हम बोल सकते हैं टाक डीएनए पॉलीमरेज को। तो इसकी जो पॉलीमरेज एक्टिविटी है वो 5' to 3' है,
इसमें 3' to 5' नहीं एक्टिविटी होती, ओनली 5' to 3' इसमें एक्टिविटी होगी। एक्सोन्यूक्लियस का मतलब होता है कि ये मतलब काट सकता है किसी भी एंजाइम को 5' to 3' पे ही। अगर किसी को हमें रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस की तरह भी हम इसको काम करवा सकते हैं, लेकिन इसके अंदर सबसे मेन जो दिक्कत है क्या, ये लैक करता है 3' to 5' एक्सोन्यूक्लियस प्रूफ रीडिंग। प्रूफ रीडिंग का मतलब होता है कि 3' to 5' अगर हम इसको एंजाइम को हम रखें डीएनए फ्रेगमेंट पे तो ये चल ही नहीं पाता है आगे, ये आगे काम ही नहीं कर पाता है। तो अगले वाले जो हमारा चैप्टर होगा उसके अंदर हम डिस्कस करेंगे न्यूक्लियसिस। न्यूक्लियसिस तो न्यूक्लियसिस का मतलब न्यूक्लिक एसिड को काटे। एसिस यहाँ पे आपका मतलब हो गया मतलब लाइफ। एंड मॉडिफिकेशन,